स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वो है तुम्हारा थियोरी ऑफ इक्वेशन। ये तुम्हारा क्लासिकल अलजेब्रा में आता है। तो इस सीरीज में हम लोग जो काम करेंगे, जो जो टॉपिक्स कवर करेंगे, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, थियोरी ऑफ इक्वेशन में हम लोग क्या काम करते हैं, देखो ये जो टॉपिक्स है ना, थियोरी ऑफ इक्वेशन, ये तुम्हारा जो बीएससी ऑनर्स है, ये ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में एक कॉमन टॉपिक्स होता है क्लासिकल अलजेब्रा में। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी ये क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के अंदर ही रहता है थियोरी ऑफ इक्वेशन। इससे ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैम में भी एक दो क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग पहले क्या क्या करेंगे, थियोरी ऑफ इक्वेशन में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, अच्छा वो मैं एक बार ही कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो मेनली हम लोग जो करेंगे, ओवरऑल जितना सारा यूनिवर्सिटीज़ है उसमें जो जो सिलेबस है उस सभी को कवर किया जाएगा। तो जो जो मैं कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स किसी यूनिवर्सिटी में मेंशन नहीं है, तो उसके लिए वो आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, बट किसी यूनिवर्सिटी में वो है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर सिलेबस को कवर किया जाए, अच्छा थ्योरी एजुकेशन में। तो देखो पहला जो हम लोग काम करेंगे यहाँ पर थ्योरी एजुकेशन में, हम लोग पहले काम करेंगे, पहले मैं हेडिंग कर रहा हूँ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। देखो थ्योरी एजुकेशन में मेनली हम लोग काम करते हैं किसी इक्वेशंस का, हम लोग रूट्स निकालने के ऊपर, उसमें हम लोग जो उसका जो थ्योरी है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो रिजल्ट्स है, वो सबको हम लोग काम करके क्वेश्चंस को, कोई इक्वेशन है उसको हम लोग उसका रूट्स निकालने के काम करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग जो काम करेंगे कि पॉलिनोमियल, थोड़ा बहुत तुम लोग पॉलिनोमियल पढ़े हो, बट हम लोग यहाँ पे पहले क्या काम करेंगे, बेस मान के क्या करेंगे, पहले हम लोगों को थ्योरी इक्वेशन पढ़ने के लिए पॉलिनोमियल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो बाद में बहुत सारा चीज़ में दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि थ्योरी इक्वेशन का जो काम होता है, जो इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, उसमें पॉलिनोमियल का पार्ट होता है, मतलब पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू जीरो कर दोगे तभी वो इक्वेशन होता है। तो देखो वो तो मैं आऊँगा, पहले जो हम लोग काम करेंगे वो होगा तुम्हारा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में क्या क्या होगा एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल में हम लोग पहले तो पॉलिनोमियल का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, डिस्कशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। नंबर टू, यहाँ पे एक डिवीजन आता है जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। ऐसे तुम लोग लॉन्ग डिवीजन किए हो, सिंथेटिक डिवीजन बहुत काम का होता है। सिंथेटिक डिवीजन हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है। नंबर थर्ड इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे पॉलिनोमियल में, इसमें जो जो थ्योरीज आएगा उसको कवर करेंगे, साथ ही साथ उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम्स होगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले आएंगे जो मेन काम है थ्योरी एजुकेशन। अब यहाँ पे हो जाएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोग पहले काम कर लेंगे एलजेब्रिक इक्वेशन, एलजेब्रिक, एलजेब्रिक इक्वेशन। अभी मैं सिर्फ नाम मेंशन कर रहा हूँ, जब काम करूँगा तो उसके ऊपर क्लासेस तो होगा ही होगा, ठीक है। एलजेब्रिक इक्वेशन एकदम डिटेल्स में कवर होगा, अच्छा जितना ज़रूरी है एग्जाम के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। एलजेब्रिक इक्वेशन सेकेंड इज पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स, ये सब कवर किया जाएगा। नंबर थर्ड इज रियल रूट्स, जो रियल रूट है, रियल रूट्स जो है
उसके नेचर एंड पोजीशन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। नेचर, देयर नेचर, देयर नेचर एंड पोजीशन, इसके लिए हम लोग जो हेल्प लेंगे वो तुम्हारा होगा, एक मेथड है डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन। डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन। एंड जो दूसरा वाला हम लोग देखेंगे वो तुम्हारा होगा स्टाम्स मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो होगा तुम्हारा इसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। मैं जो लिख रहा हूँ वो सीक्वेंस से नहीं लिख रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक को कवर करूंगा उसी हिसाब से मैं मेंशन कर रहा हूँ। आज हम लोग पॉलीनोमियल के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, देन होगा सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नंबर 7 इज रेसिप्रोकल इक्वेशन। नंबर 8 इज बाइनोमियल इक्वेशन, ठीक है। स्पेशल रूट्स नंबर टेन इज क्यूबिक इक्वेशन में मेनली हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे वो होगा कार्डन्स मेथड, ठीक है। नंबर 11 इज फेरारीज मेथड, ठीक है। कार्डन्स मेथड हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, फॉर द क्यूबिक इक्वेशन। एंड फेरारीज मेथड किसके लिए, फॉर द बाई क्वाड्राटिक इक्वेशन, ठीक है। ये सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पॉलिनोमियल पहले इसका पॉलिनोमियल के बारे में बोलेंगे, पॉलिनोमियल में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीज़ है वो मैंने यहाँ पे किया। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो सिक्वेंशली जो हम लोग काम करेंगे वो मैंने बोल दिया, ताकि तुम लोग जो ये है वीडियोज़ में क्या क्या टॉपिक्स कवर होगा उसमें तुमको क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग जो काम करेंगे वो पॉलिनोमियल के ऊपर करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, क्या कि एन एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, ऑफ द फॉर्म
ए जीरो एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ए एन माइनस वन एक्स ए एन। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसी को ही हम लोग पॉलीनोमियल बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे ए जीरो ए वन ए टू ए एन माइनस वन ए एन ये सब क्या है? ए है तुम्हारा गिवेन नंबर्स, कोई भी नंबर्स है, वो रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस, होयर होयर ए जीरो ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन आर गिवेन नंबर्स, ब्रैकेट में लिखो रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। एन इज ए, यहाँ पे जो पावर में जो एन है ना, एन इज ए नॉन नेगेटिव, ध्यान में रखना है पावर क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये एक्स के पावर में जो एक्स के पावर में एन माइनस वन है, यहाँ पे एन क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब आइदर जीरो वन टू थ्री ये सब में। तो एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड एक्स जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। एक्स इज ए वेरिएबल, एक्स इज ए वेरिएबल इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ए पॉलीनोमियल, दिस इज कॉल्ड ए पॉलीनोमियल इन एक्स, इन एक्स। और इसका और एक नाम है, और ए रैशनल इंटीग्रल फंक्शन, और ए रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखो मैंने क्या बोला, ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है, यहाँ पे जो तुम एक्सप्रेशन देख पा रहे हो, ए जीरो, अगर मैं इसको बॉक्स कर दूँ, ए एक्सप्रेशन तुम्हारा क्या है? दिस इज नोन एज ए पॉलीनोमियल। अब यहाँ पे देखो, ये जो ए जीरो ए वन ए टू ए एन माइनस वन ए एन, ए है कोई भी कोई नंबर हो सकता है, रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ये जो एक एक पार्ट है ना, एक एक टर्म है, इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। अच्छा, दिस इज नोन एज ए टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। अरे ये जो ए जीरो ए वन ए टू ये सब है ना, इसको हम लोग, ये जो नंबर्स है ए जीरो ए वन ए टू आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। अगर कोएफिशिएंट, अगर पॉलिनोमियल का अगर कोएफिशिएंट अगर रियल हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रियल पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहाँ पे जो ध्यान में रखो, पावर जो है ना एन, ये मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब जीरो वन टू थ्री फोर इसमें से ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे जो ए जीरो ए वन ए टू है, यहाँ पे लिखो ए जीरो ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड कोइफिशियंट, कोइफिशियंट्स, ये कोइफिशियंट्स है। ठीक है, एंड कोइफिशियंट ए जीरो एक्स टू द पावर एन, ये क्या हो गया? ये तुम्हारा टर्म हो गया। दिस इज ए टर्म, टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ए जीरो कोइफिशियंट एक्स टू द पावर एन, ए भी क्या हो गया? टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, ए जीरो ए वन ए टू ये सब क्या है? कोइफिशियंट, और ये सब क्या है? टर्म। कोइफिशियंट और वेरिएबल मिला के क्या होगा? कोई भी नंबर और वेरिएबल मिला के होगा टर्म। तो बहुत सारा टर्म है। तो एक एक बात तुम लोगों में बोल देता हूँ, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल वर्ड जो आया है ना, पॉलिनोमियल जो वर्ड आया है वो इस हिसाब से आया है। एक होता है पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मीनिंग क्या होता है? मेनी ना, पॉली का मतलब होता है मेनी। एंड जो नोमियल है, नोमियल का मतलब क्या है? नाम। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है? नेम।
और मैथमेटिक्स में इसको हम लोग जनरली यूज करते किसके लिए, फॉर द टर्म। बहुत सारा टर्म अगर एक साथ है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो a0, a1, a2, an आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स, एंड जो तुम्हारा यहाँ पे एक एक टर्म है यहाँ पे कौन कौन है, a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, ए एन माइनस वन एक्स ए एन, ये सब क्या होगा, दे आर कॉल्ड द टर्म्स आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब को हम लोग टर्म बोलेंगे, ए जीरो ए वन ए टू, ये सब को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। अब एक बात सुनो, जैसे मानो के एक है x टू द पावर 5, 7 x टू द पावर 5 प्लस 8 x टू द पावर 4, 3 प्लस 5 या फिर माइनस करो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक्स क्यूब 5 प्लस 7 एक्स स्क्वायर 6x माइनस 9, यहाँ पे ए हो गया पॉलिनोमियल। अब देखो तो x टू द पावर 5 अगर इसका कोई कोएफिशिएंट सपोज जीरो है तो इसका मतलब ए इसका कोई वैल्यू क्या होगा, जीरो, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो देखो अगर मैं इसको 5 डिग्री पॉलिनोमियल बोलूँगा, डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, तो उसका जो कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है माने यहाँ पे देखो ए जीरो, वो मस्ट भी क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। तो यहाँ पे x टू द पावर 5 अगर ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल होना पड़ेगा तो इसका कोएफिशिएंट जीरो को छोड़ के होना पड़ेगा, अच्छा जीरो ना हो। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट हो, सपोज 5 लो, 6 लो, 7 लो, एक सिंपल सा बात है, कोई भी नंबर लो जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, कब, जब ए जीरो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे लिखो If a0 is not equal to 0, the polynomial is said to be, the polynomial is said to be, the polynomial, जो polynomial है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, the polynomial is said to be, polynomial of, is said to be of degree n, the polynomial is said to be degree n, अच्छा polynomial of degree n बोलेंगे। एंड ये जो टर्म है ना इसके द्वारा डिग्री इंडिकेट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग टर्म। एंड a0 x टू द पावर n इज कॉल्ड द, a0 x टू द पावर n इज कॉल्ड द लीडिंग टर्म, the leading term of the polynomial, इसको leading term बोलते हैं। एंड जो coefficient है ना यहाँ पे जो a0 है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो, इस a0 को हम लोग बोलते हैं leading coefficient, leading coefficients। ठीक है, एक remark देखो, एक रिमार्क क्या कि अगर सभी कोएफिशिएंट क्या हो जाता है पॉलिनोमियल का, अगर सभी कोएफिशिएंट रियल हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पॉलिनोमियल। एंड जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं, जैसे ये जो पॉलिनोमियल है ना, एक रिमार्क से पहले देखो, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम लोग आइदर एफ एक्स, ये जो एक्सप्रेशन है एफ एक्स माने ए जीरो एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ए एन माइनस वन एक्स ए एन, इसको एफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, जी एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर्स फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा जैसे एक्स का वेरिएबल है तो दिस इज ए पॉलिनोमियल, अच्छा एफ एक्स, मैंने यहाँ पे एफ एक्स ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को हम लोग रियल पॉलिनोमियल कब बोलेंगे,
इस पॉलीनोमियल को हम लोग रियल पॉलीनोमियल, और एक बात और बोल दूँ, सपोज ये तो हम लोग पॉलीनोमियल को डिनोट कर रहे हैं। अब किसी पॉइंट पे पॉलीनोमियल का कुछ वैल्यू चाहिए, सपोज मानो तुमको चाहिए ए पॉइंट पे पॉलीनोमियल का वैल्यू, ए पॉइंट पे एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, तुम क्या करो इस पॉलीनोमियल में जहाँ जहाँ पे एक्स है उसमें ए पुट करो, ये बोलना चाह रहा है। देखो यहाँ पे रिमार्क क्या लिखोगे, रिमार्क इफ द कोएफिशिएंट्स ए जीरो ए वन ए टू ये सब जो है ए एन आर रियल नंबर आर रियल नंबर्स देन द पॉलीनोमियल इज द पॉलीनोमियल देन द पॉलीनोमियल एफ एक्स इज सेड टू बी ए रियल पॉलीनोमियल, उसको हम लोग रियल पॉलीनोमियल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि पॉलीनोमियल का जो कुछ टाइप है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा कि पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, जीरो डिग्री पॉलीनोमियल, ठीक है, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, डिग्री जीरो, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री जीरो का मतलब के मानो ये जो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन है अगर मैं सभी कोएफिशिएंट को जीरो कर दूं ये पॉलीनोमियल में, तो देखो तो क्या आएगा, सभी कोएफिशिएंट को मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल है, देखो पॉलीनोमियल ऑफ जीरो का मतलब होता है जो वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे, जैसे तुम यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिए के, तो के या फिर 5, 7 ये सब क्या है पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, क्योंकि देखो मैं के को लिख सकता हूँ ना के इंटू एक्स टू द पावर जीरो, ठीक है, के इंटू एक्स टू द पावर जीरो, तो सिंपल बात है कांस्टेंट पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री जीरो का मतलब क्या है कांस्टेंट। अगर मैं बोलूँ कि पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री वन, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए जीरो एक्स ए वन, ए जीरो एक्स ए वन, बट ध्यान में रखना है डिग्री वन जब बोला है मैंने तो इसका कोएफिशिएंट मस्ट भी क्या होना पड़ेगा, द कोएफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो, ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि द कोएफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है, अब अगर मैं पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री टू बोलूं, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री टू, तो ये क्या होगा ए जीरो एक्स स्क्वायर ए वन एक्स ए टू, जहाँ पे ए जीरो क्या है नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो, ये जो पॉलीनोमियल है ना पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री वन, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। क्या पॉलीनोमियल, दिस इज नॉन, इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पॉलीनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, दो डिग्री का पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल। ठीक है, अगर मैं पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री थ्री का बात करूंगा, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री थ्री ये क्या होगा, ए जीरो एक्स क्यूब ए वन एक्स स्क्वायर ए टू एक्स ए थ्री, साइड में क्या मेंशन करना पड़ेगा, हायर ए जीरो इज नॉन जीरो। ठीक है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो, इस पॉलीनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। एंड साइड में लिख देंगे पॉलीनोमियल ऑफ, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 4 a0 एक्स टू दी पावर 4 a1 एक्स क्यूब a2 एक्स स्क्वायर a3 एक्स a4 जहाँ पे a0 इज नॉन जीरो। तो इस पॉलीनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूबिक। दिस इज नोन एज क्यूबिक पॉलीनोमियल और इसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो ए क्यूबिक, ए बाई क्वाड्रेटिक, ये तुम्हारा हो गया 0 डिग्री पॉलीनोमियल और ये हो गया लीनियर पॉलीनोमियल, ये हो गया पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है। अब तुमको बोलना है कि ये पॉलीनोमियल है या नहीं है। देखो मैंने एक्सप्रेशंस को fx, मैंने बोला है कि fx dx qx rx कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको बोलना है कि पॉलीनोमियल है या नहीं है। तो मैंने अभी क्या बोला कि पॉलीनोमियल का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन जो इस टाइप में होगा ना, इस टाइप में। अगर ए जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन। बोलो तो यहाँ पे ए जीरो, ए वन, ए टू ये सब क्या है, आर द कोएफिशिएंट, रियल और कांस्टेंट, रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, अगर रियल है तो रियल पॉलीनोमियल। अब देखो एक्स के पावर में जो एन है ना, ये क्या है, दिस इज बिलोंग्स टू, ये तुम्हारा क्या होगा, ये होगा तुम्हारा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये कहाँ पे होगा, आइदर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसमें से आएगा एन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक 0 डिग्री पॉलीनोमियल। तो मैं पॉलीनोमियल अगर होगा तो मैं उसको पी से डिनोट करूँगा, अच्छा पी फॉर पॉलीनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स के पावर में क्या है, 0.6 फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट पॉलीनोमियल, एन पी। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। अब देखो यहाँ पे थर्ड में 3 टू द पावर x, पावर क्या हुआ था, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे पावर में देखो वेरिएबल है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, नॉट पॉलीनोमियल। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ x के पावर में 5 है, अब बहुत जन को लगता है सर √2 है, √2 तो रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये सब चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज ए पॉलीनोमियल। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल में क्या यूज किया गया, ट्राइगोनोमेट्रिक, तो दिस इज नॉट ए पॉलीनोमियल। वैसा एक्सप्रेशन होगा तभी पॉलीनोमियल होगा। ठीक है, क्यू एक्स इसको ब्रेक कर दोगे तो क्या आएगा, ए 4 डिग्री और 1 डिग्री 5 डिग्री, तो दिस इज ए पॉलीनोमियल। मॉड एक्स दिस इज नॉट ए पॉलीनोमियल, मॉड एक्स तो उस फॉर्म में नहीं आता है ना, 1/2x-1 ये भी पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि 2x-1 इसको अगर तुम ब्रेक करोगे बाइनोमियल के हिसाब से तो दैट मीन्स ये तो उस फॉर्म में नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट पॉलीनोमियल। तो ये उस फॉर्म में नहीं है तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे बोलो तो ये क्या होगा, ई है तो क्या है, रियल नंबर ही तो है ना, क्यूबिक पॉलीनोमियल। ये क्या था, 5 डिग्री पॉलीनोमियल, ये था 5 डिग्री पॉलीनोमियल, यहाँ पे 0 डिग्री पॉलीनोमियल, ये 3 डिग्री, यहाँ पे देखो ए पॉलीनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है बोलो तो, यहाँ पे लॉग एक्स का स्क्वायर लॉग एक्स, यहाँ पे एक्स पावर में एन ऐसा कुछ काम चलेगा, बट यहाँ पे लॉग के ऊपर में है, तो दिस इज नॉट ए पॉलीनोमियल। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ने देखा कि पॉलीनोमियल कौन है या नहीं है। ठीक है, अब देखो एक बात मैं यहाँ पे पहले बोल दूँ कि अगर कोई भी दो पॉलीनोमियल है तो दो पॉलीनोमियल को हम लोग कब बोलेंगे कि वो दो पॉलीनोमियल इक्वल है। अच्छा, मानो के दो पॉलीनोमियल है, सेम डिग्री का दो पॉलीनोमियल है, अच्छा दो पॉलीनोमियल है, दोनों का डिग्री क्या है, सेम है। सपोज मानो कि एक पॉलीनोमियल है a0x^n, a1x^n-1, a2x^n
एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स ए एन, एक पॉलीनोमियल है, और बी जीरो एक्स टू दी पावर एन, बी वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, बी टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, बी एन माइनस वन एक्स बी एन। तो ये दो पॉलीनोमियल इक्वल कब होगा, दोनों इक्वल कब होगा, तो दोनों इक्वल होगा तब कि जब दोनों का डिग्री तो सेम हो, एंड क्या हो कि यहाँ पे एक्स एक्स टू दी पावर एन का जो कोएफिशिएंट है ए जीरो, दिस इज इक्वल इफ, कब इक्वल होगा, इफ ए जीरो इक्वल टू बी जीरो, जो सेम सेम डिग्री वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट सेम होना पड़ेगा सबके लिए, ए वन इक्वल टू बी वन, ए टू इक्वल टू बी टू एंड सो ऑन, ए एन माइनस वन इज इक्वल टू बी एन माइनस वन, ए एन इज इक्वल टू बी एन। ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो दो पॉलीनोमियल ऊपर में, अगर मैं इसको एफ एक्स नाम दूंगा, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज जी एक्स, देन हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, दो पॉलीनोमियल को सेम बोल देंगे। ठीक है, दो पॉलीनोमियल को एडिशन कैसे करते हैं वो तो तुम लोग जानते हो कि जो सेम सेम डिग्री है उसका कोएफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, जैसे मानो के एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर सेवन एक्स क्यूब टू एक्स प्लस फाइव, इसको ऐड करने का प्रोसेस क्या होता है, एक्स क्यूब इसको कैसे ऐड करोगे, टू एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स ट्वेल्व, ऐसे होता है, मल्टीप्लीकेशन भी करने जानते हो कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी तुम लोग जानते हो, इसको अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ, सपोज मानो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यूब प्लस वन एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर सिक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वन, ऐसे हो गया, कोई भी डिग्री का टर्म अगर ज़्यादा आता है तो उसमें तुम देख लो कितना है, उसके बाद ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हम लोग किए। अब देखो एक एल्गोरिथम आता है इसमें कि वो क्या है कि डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है एक बार देख लो, इसको मैं एक बार आप कर दे रहा हूँ। क्या एल्गोरिथम है वो देखो, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोल रहा है ये एल्गोरिथम कि अगर कोई दो पॉलीनोमियल है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू पॉलीनोमियल्स, दोनों पॉलीनोमियल है ऑफ डिग्री एन एन एम, ऑफ डिग्री एन एंड एम, एक का डिग्री एन है पहले का, रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली एफ एस का डिग्री एन है और जी एस का डिग्री क्या है, एम है, देन अगर दो पॉलीनोमियल है, एक जन का डिग्री एन है दूसरे जन का डिग्री एम है, तो देन दे आर एग्जिस्ट, देखो देन There exist two polynomials, two unique polynomials QX and RX satisfying क्या, satisfying fx is equal to gx into qx plus rx। देखो division algorithm क्या होता है, जैसे तुम लोग बचपन में पढ़े थे कि सपोज मैंने तुमको एक नंबर दिया 14 और 3 दिया, तो जो छोटा नंबर है उसको बड़ा को डिवाइड करो, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 12 2। तो मैंने तुमको दो नंबर दिया 3 और 14, ये दोनों के वजह से तुमको देखो दो यूनिक नंबर मिला ना,
फोर आर टू, ठीक है। तो कोई भी अगर तुम इसको देखोगे तो ये क्या है, सभी जीरो डिग्री पॉलीनोमियल। बट ऐसे तुम देखो कि मानो कि मैंने कोई भी पॉलीनोमियल ले लिया, सपोज मैंने क्या किया, कोई भी पॉलीनोमियल ले लिया, सपोज एक पॉलीनोमियल मैंने ले लिया x माइनस टू, अच्छा एक पॉलीनोमियल मैंने ले लिया x माइनस टू, उसको तुम डिवाइड कर रहे हो एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर टेन एक्स माइनस ट्वेल्व, ठीक है। तो बोलो तो अगर तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो आएगा कोसेंट, दिस इज द डिविडेंट डिवाइजर, डिवाइजर इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे वही बात बोला है, देखो कि अगर मैं इसको डिवाइड किया तो एक्स क्यूब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ पे क्या होगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर टेन एक्स माइनस ट्वेल्व माइनस फोर एक्स, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा टू एक्स माइनस ट्वेल्व, यहाँ पे होगा टू टू एक्स माइनस फोर तो माइनस एट। तो एक बात देखो ये एक इसका रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे ये रोल प्ले कर रहा है जी एक्स का, ये जी एक्स का रोल प्ले कर रहा है, एक इसका रोल प्ले कर रहा है एफ एक्स का, ए प्ले कर रहा है क्यू एक्स का, ए प्ले कर रहा है आर एक्स का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही बात बोला है कि अगर तुम किसी एक कि कोई दो पॉलीनोमियल है, एक है जी एक्स एक है एफ एक्स, तुमने जी एक्स से एफ एक्स को डिवाइड किया, इसका डिग्री क्या होगा, इससे बड़ा या फिर सेम, सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड करने में, तुम देखना यहाँ पे दो पॉलीनोमियल तुमको ऑलवेज मिलेगा और वो यूनिक मिलेगा, क्योंकि डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे जो कोसेंट आएगा जो रिमाइंडर आएगा सबका सेम आएगा, ठीक है। अगर सही करोगे तो सबका सेम आएगा, गलती करोगे तभी डिफरेंट आ सकता, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि ये जो तुम्हारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिविजन एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पे लिखो व्हेयर द डिग्री ऑफ क्यू एक्स, क्यू एक्स का डिग्री क्या होगा, अगर इसका डिग्री ये नहीं इसका एम है तो इसका डिग्री होगा एन माइनस एम, इसका क्या होगा जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे कम होगा, अच्छा क्योंकि नहीं तो फिर से डिवाइड चला जाएगा। तो आर एस का जो डिग्री होगा आइदर ये जीरो और लेस देन एम, इसका डिग्री जो होगा वो क्या होगा, डिग्री इसका जो डिग्री होगा आइदर जीरो और क्या, जीरो और लेस देन एम, माने जिससे डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द डिवाइजर, ये हो गया तुम्हारा डिविडेंड कोसेंट, दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे एक बार डिग्री के बारे में मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, व्हाट द डिग्री ऑफ क्यू एक्स, व्हाट द डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज एन माइनस एम एंड आर एक्स इज आइदर ए, इज आइदर ए जीरो पॉलीनोमियल, जीरो पॉलीनोमियल और द डिग्री आइदर ए जीरो पॉलीनोमियल और द डिग्री, और द डिग्री, और द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन क्या होगा, लेस देन एम, एम से कम होगा, ठीक है। तो ये डिविजन एल्गोरिथम है। एक बात देखो और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुमने क्या किया, जैसे मानो कि तुमने क्या किया x माइनस टू जो है ना, x माइनस टू सपोज मानो कि x माइनस टू से तुमने एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स को डिवाइड किया, तो यहाँ पे देखो x एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स
माइनस थ्री माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, देखो ये जीरो आ गया। तो अब देखो यहाँ पे डिवाइड जो हुआ है इसमें देखो रिमाइंडर जीरो आया है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो आर एक्स है, जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है आर एक्स, अगर वो रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जिससे तुम डिवाइड कर रहे थे वो असल में इस पॉलीनोमियल के अंदर जो डिविडेंड है उसका एक फैक्टर होगा, ठीक है, उसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, इफ इन केस, ऐसे लिखो इफ इन केस, यहाँ पे क्या होगा, इफ इन केस, एक रिमार्क में, रिमार्क क्या, इफ इन केस आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, आर एक्स अगर जीरो है, ये तुम लोग लिख लिए, इसको मैंने रफ कर दिया, अगर आर एक्स जीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे जो एफ जी एक्स था वो क्या होगा, एफ एक्स का एक फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो इफ इन केस आर एक्स इज जीरो देन देन जी एक्स बिकम्स ए फैक्टर ऑफ ऑफ क्या, ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, अगर रिमाइंडर एफ एक्स, एफ एक्स अभी पॉलीनोमियल चल रहा है, अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो इसका मतलब वो जो जिससे तुम डिवाइड कर रहे थे जी एक्स वो क्या हो गया, वो तुम्हारा एफ एक्स का एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे कर लूँगा रिमाइंडर थ्योरम, तो क्या है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के लेट द पॉलीनोमियल एफ एक्स, लेट द पॉलीनोमियल एफ एक्स, जो पॉलीनोमियल है उसको मैंने क्या किया, एफ एक्स पॉलीनोमियल को, सपोज एफ एक्स एक पॉलीनोमियल है उसको मैंने क्या किया, एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड किया, तो इसमें डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर आएगा मैं बोल सकता हूँ, ये जो आर एक्स आएगा ना, ये जो आएगा मैं बोल सकता हूँ। देखो तुम वन डिग्री पॉलीनोमियल से डिवाइड किए हो तो उसका जो डिग्री होगा वन डिग्री से कम क्या होगा, एक ही पॉसिबल है, जीरो डिग्री माने कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेट द पॉलीनोमियल एफ एक्स, लेट द पॉलीनोमियल एफ एक्स बी डिवाइडेड बाई, बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा से मैंने डिवाइड किया, देन रिमाइंडर, देन रिमाइंडर बी एफ ऑफ अल्फा, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा माने मानो के सपोज एक पॉलीनोमियल है एफ एक्स, तुमने उसको एक्स माइनस थ्री से डिवाइड किया तो उसका जो रिमाइंडर आएगा ना वो आएगा एफ थ्री, माने जो फंग जो जो पॉलीनोमियल है उसमें तुम थ्री पुट कर दो, जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा रिमाइंडर हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसको प्रूफ भी कर दे रहा हूँ, देखो इसको प्रूफ कर रहा हूँ, इसको प्रूफ कर रहा हूँ। तो इस प्रूफ के लिए यहाँ पे देखो तो डिवाइजर कौन है, एक्स माइनस अल्फा, दिस इज योर डिविडेंट, ये तुम्हारा डिविडेंट है, कोसाइन मुझे नहीं मालूम है तो कोसाइन मैंने क्या ले लिया, क्यू एक्स, कोसाइन इज क्यू एक्स, एंड रिमाइंडर जो है ना उसको मैंने क्या ले लिया, आर, दिस इज ए कॉन्स्टेंट, आर क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट, क्यों बोलो तो, क्योंकि वन डिग्री पॉलीनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। तो मैंने क्या किया, प्रूफ हेयर, हेयर एफ एक्स क्या है, सॉरी हेयर डिवाइजर इज एफ एक्स डिविडेंट, सॉरी डिवाइजर इज एक्स माइनस अल्फा, डिविडेंट इज एफ एक्स, एफ एक्स डिविडेंट है, और कोसेंट जो है मैंने मान लिया, लेट कोसेंट, लेट कोसेंट इज क्यू एक्स
एंड रिमाइंडर इज आर, जो क्या है कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब बोल दो डिविजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या पढ़े थे। डिविजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि जो डिविडेंट होता है, वो डिविडेंट क्या होता है, डिविडेंट इज इक्वल टू, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से क्या लिखोगे, देन बाय डिविजन एल्गोरिदम क्या बोलोगे। डिविजन एल्गोरिदम क्या बोल रहा है कि डिविडेंड माने एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा डिवाइजर इनटू कोसेंट क्यू एक्स प्लस क्या आर रिमाइंडर। अच्छा, अब देखो ये जो है ना, इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब इक्वल साइन का, देखो इस साइड में भी एक्स है, इस साइड में भी एक्स है, तो इसका मतलब तुम एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, इसमें जो आएगा इसमें भी पुट करोगे तो वही वैल्यू आएगा। तो इक्वल के दोनों साइड में एक्स का एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, दिस इज एन आइडेंटिटी इन एक्स। तो इसका मतलब तुम एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इट इज एन आइडेंटिटी इन एक्स। ये क्या है, एक्स का आइडेंटिटी है। अब क्या करेंगे, लिखो पुटिंग एक्स इक्वल टू अल्फा, वी गेट अल्फा भी इसमें, अल्फा पुट कर सकते हैं, आइडेंटिटी है तो मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अब तुम बोलोगे सर आप अल्फा क्यों पुट कर रहे हो, क्योंकि मैं अगर अल्फा पुट करूँगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, तो एफ ऑफ अल्फा क्या आ रहा है, जीरो प्लस आर, दैट मीन्स आर का वैल्यू क्या आ गया, एफ ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, रिमाइंडर जो है, देयरफॉर रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा। तो अगर मैं कोई पॉलीनोमियल है एफ एक्स, कोई एक पॉलीनोमियल है, अगर मैं उसको एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करूँगा तो उसके लिए जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज ये अल्फा जो है उसमें पुट कर दो दिस। ठीक है, एक क्वेश्चन में जैसे इसके लिए एक क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, जैसे मानो कि तुमको बोला गया है कि फाइंड द रिमाइंडर देखो एक क्वेश्चन मैं समझ ले रहा हूँ कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स टू द पावर 5 प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इज डिवाइडेड, दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे तुमको रिमाइंडर निकालने बोल रहा है कि अगर इस पॉलीनोमियल को तुम इसके द्वारा डिवाइड करोगे तो क्या होगा, क्या रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे बोलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेंगे एफ एक्स एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 4 एक्स क्यूब 5x स्क्वायर 2x प्लस 11। ठीक है, तो इट इज़ डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, इसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, देखो इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5, दैट मीन्स एक्स माइनस ऑफ माइनस 5। तो यहाँ पे बोलो तो अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है, माइनस 5 ना, तो अल्फा का रोल माइनस 5 प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर इज इक्वल टू
f ऑफ माइनस फाइव दैट मीन्स माइनस फाइव पावर में क्या होगा, फाइव, फाइव माइनस फाइव पावर में फोर, माइनस फाइव पावर में क्यूब, फाइव माइनस फाइव स्क्वायर, टू माइनस फाइव प्लस एलेवन। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस फाइव टू द पावर फाइव, तो ये हो गया माइनस फाइव टू द पावर फाइव। और यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा फाइव टू द पावर फाइव पॉजिटिव में, माइनस फाइव क्यूब ये होगा प्लस फाइव क्यूब माइनस टेन प्लस एलेवन। ये वाला टर्म क्या होगा, यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आ गया वन। ठीक है, तो देखो ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब देखो हम लोग सिंथेटिक डिवीजन देखेंगे, उसके बाद जो फैक्टर थ्योरम है वो भी देखेंगे। फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या, फैक्टर थ्योरम क्या बोलना चाह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट काम करेंगे, अच्छा लेक्चर टू में। ये हो गया लेक्चर वन, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखें कि हम लोग थ्योरीफिकेशन में क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, छोटा छोटा करके क्लिप वीडियो का बनाएंगे, इससे क्या होगा तुम लोगों को देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो एक बार सुनो, जो चैनल का जो प्लेलिस्ट है ना, वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एक थ्योरीफिकेशन जो फोल्डर है उसमें हम लोग ये जो वीडियोज़ है, जो क्लासेस अपलोड कर रहे हैं उसमें वो ऐड करेंगे। ठीक है, उसमें अपडेट करेंगे। तो तुम लोग क्या करना, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ ही साथ जो बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर दिया तो नोटिफिकेशन ऑन हो गया। इसका मतलब कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो उससे क्या होगा, तुमको वो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुम उस बेल आइकन को प्रेस करना। और कोई भी कुछ अगर तुमको कोई भी कुछ तुम्हारा कुछ तुम कुछ बोलना चाह रहे हो सर कुछ भी, तो दैट मीन्स टॉपिक्स के रिलेटेड किसी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़, तो मुझे मैसेज करना। ठीक है, तो आज इतना तक रखते हैं थ्योरीफिकेशन के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर टू देखेंगे पॉलीनोमियल के ऊपर। ठीक है, चलो बाय।